वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताएंगे आइस ब्लॉकचेन की केवाईसी को कंप्लीट कैसे किया जाता है स्टेप नंबर 2। आज इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं मजीद अपडेट हासिल करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। आपने जैसे ही ये नज़र आया आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टेप नंबर 1, 2 और 3 इसके अंदर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। आपने इसको रीड कर लेना है एक दफ़ा, आपको केवाईसी करने में आसानी होगी। सबसे पहले वो बता रहे हैं आपने अपने ट्विटर अकाउंट को ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है आइस ब्लॉकचेन। जैसे ही आप इसको सर्च कर लेंगे आपके सामने वो पेज आ जाएगा, आपने इसको फॉलो कर लेना है ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। फॉलो करने के बाद इसका जो पहला यानी कि पोस्ट है, पहले वाली पोस्ट, उसको आपने लाइक भी करना है, रीपोस्ट भी करना है और फैक्ट यानी कि जो इसका आपने पोस्ट किया होगा उसको कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपने इसको यहाँ पर कॉपी करना है, ये देखें सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इसको कॉपी करना है और इसको आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है। यहाँ पर वो लिंक मांग रहे हैं जो आपने पोस्ट की है। अब ये सारा कुछ कैसे करना है मैं आप स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप अपने ट्विटर अकाउंट में आएंगे, ट्विटर अकाउंट को ओपन करने के बाद ये नीचे सर्च बार का बटन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर आपने सर्च करना है आइस ब्लॉकचेन। जैसे आप आइस ब्लॉकचेन को सर्च करेंगे ये पहले नंबर पे आ जाएगी, सामने टिक भी लगा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपने इसको ये ऊपर फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद ये नीचे आप देखें ये सारी डिटेल दी गई है, इसको आप क्लोज कर दें। ये जो सजेस्ट बता रहा है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे ये देखें ये पिन भी लिखा हुआ है और ये इन्होंने पोस्ट भी की हुई है, ये नीचे इसकी सारी डिटेल दी जा रही है, सही है। सबसे पहले तो आपने इसको यहाँ पर देखें लाइक कर देना है, ठीक है, यहाँ पर लाइक कर देना है, ये दिल बना हुआ है। उसके बाद ये जो रीपोस्ट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये वाला। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रीपोस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये दोबारा रीपोस्ट हो गया, ठीक है। और दोबारा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये नीचे क्वाइट लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें दोबारा रीपोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने रीपोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको रीपोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपकी आईडी पर पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आपने इसको निकालना कैसे है, यहाँ पर क्लिक करना है, अपने ऊपर प्रोफाइल में आ जाना है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखें ये पिन वाला जो है वो हो चुकी है पोस्ट, ठीक है। आपने ये नीचे शेयर का बटन दिया गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है उसी आइस नेटवर्क आइस ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर उस लिंक को आपने कर देना है पेस्ट जो आपने कॉपी की, और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म कर देना है। आपकी वेरिफिकेशन कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर केवाईसी कंप्लीट ना भी हो तो टेंशन नहीं लेनी, तकरीबन 7 दिन के बाद दोबारा आपको केवाईसी दी जाएगी। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए, मज़ीद एप्लीकेशनों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।